हरियाणा बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। कन्वीनर इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट बीजेपी हरियाणा वरिन गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग को सरकारी कर्मचारी विजेंद्र धालीवाल के खिलाफ शिकायत दी गई है। उन्होंने बताया कि विजेंद्र धालीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं और विजेंद्र धालीवाल शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। बीजेपी नेता वरिन गर्ग ने चुनाव आयोग में शिकायत कर तुरंत एक्शन लेने और कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों की वीडियो के साथ एक ऑडियो भी जारी की गई है और ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष सरकारी पद पर रहते हुए इस प्रकार से किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते और इसको लेकर चुनाव आयोग को उनके द्वारा शिकायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा कई मामलों में शिकायत दी गई है और चुनाव आयोग से इस पर क्या कार्रवाई की गई है इस पर भी जवाब लिया जाएगा। कल विजेंद्र धारीवाल, जो अपने आप को एक बड़ा नेता कहते हैं पेंशन स्कीम्स का, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनाए, क्लिप सुनाए उनके। सरकारी कर्मचारी सरकारी जॉब के दौरान कोई भी ऐसे वीडियो क्लिप्स, ऐसे भाषण, ऐसी गुहार नहीं लगा सकता एक पार्टी की फेवर में, इसलिए ये सरासर गलत है और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उनकी उल्लंघना है। तो मैंने कमिश्नर साहब के ध्यान में आज लाया कि इस तरह के सरकारी एम्प्लॉई को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जो कि उल्लंघना कर रहा है कमीशन की। देखिए, वीडियो में जो मुद्दा है बेसिकली OPS का जो है, इसके लिए जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मेरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, वो बैठ करके, क्योंकि बड़ा आर्थिक सिस्टम का निर्णय है कितनी पेंशन देनी है क्या देनी है, वो तय करेंगे। पेंशन के विषय में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरा विषय तो ये है कि इस वीडियो से ये जाहिर हो गया आज कि पहले भी जितने धरने प्रदर्शन हो रहे थे वो सारे कांग्रेस के इशारे पे हो रहे थे, क्योंकि आज विजेंद्र जी उनकी खुल करके उनके समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज उनका जो ये नंगा रूप था वो सामने आ गया। न्यूज़ डेस्क, एनालाइज़।